यहाँ पर चादर और चार दीवारी का जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज ऑर्डर इन द हाउस में राणा साहब प्लीज आप खान साहब तशरीफ रखेंगे सईद अकबर खान साहब में ये राणा साहब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेने के बाद आई बीइंग अ वेरी सीनियर मेंबर्स अवेलेबल इन द हाउस जिन्होंने आज वोट लिया आई विल गिव यू द चांस टू स्पीक आप तशरीफ रखेंगे उनकी बात सुन ले पहले जनाब स्पीकर जी राणा साहब जनाब स्पीकर आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टू द आर्टिकल 66 privilege of members ji order in the house I cannot hear what rana saab is saying ji please order in the house ji order in the house please no shouting no cross talks please sir naye naye aaye seekh jayenge ji ji rana saab ji rana saab ji rana speaker ye peer saab tashreef rakhe na yaar let the proceeding idhar hi gal kar baithe to sahi idhar hi gal kar rana speaker नहीं मैं तुहानू अजे वक्त नहीं दिता तुसी तशरीफ रखो पीर साहब तशरीफ आई हैव गिवन द फ्लोर टू राणा आफ्ताब साहब पीर साहब तशरीफ रखें मैं आपको दूंगा मौका आप तशरीफ रखें क्या आप मैंने उनको फ्लोर दिया आप तशरीफ तो रखें प्लीज राणा साहब जनाब यार जी राणा साहब प्लीज शुरू करिए जनाब स्पीकर आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर इन द हाउस प्लीज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज मेरी मोजेज अराकीन से दरख्वास्त है कि फ्लोर मैंने राणा आफ्ताब साहब को दिए प्लीज उनकी बात सुने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े हूँ जनाब स्पीकर ये आर्टिकल सर इन्होंने भी कुछ समझा दियो अखराती सीटा साहब आप अपनी बात करें जनाब स्पीकर लास्ट सेशन में यू आर वेरी अकोमोडेटिव के आपने कहा था कि किसी भी मेंबर के घर और किसी के नहीं होगा उसका नतीजा ये निकला Order in the house, please. Order in the house. Order in the house, please. Order in the house. शुक्रिया जनाब स्पीकर मैं इन यार तू बाद च मिलने ही होना जनाब स्पीकर अपने नहीं जी ऑर्डर इन द हाउस ये आप गलत कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हर ख्याल करें प्लीज प्लीज नो बी लेट्स द प्रोसीडिंग टू बी स्टार्टेड प्लीज ऑर्डर इन द हाउस ऑल अराउंड जनाब स्पीकर पेज 8 ऑफ द पंजाब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में आई लाइक यू ड्रॉ योर अटेंशन नंबर 3 मेंबर्स नॉट लायबल टू सिविल और क्रिमिनल एक्शन उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 66 भाई प्लीज द ऑर्डर हैज टू बी मेंटेन्ड नाउ थैंक यू वेरी मच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो शाउटिंग्स एंड नो क्रॉस टॉक्स थैंक यू वेरी मच नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी मेंबर बाय रीजन ऑफ एनी मैटर और थिंग व्हिच ही मे हैव ब्रॉट अप और गिवन नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू ब्रिंग अप बिफोर द असेंबली और एनी कमेटी देयर ऑफ बाय बिल रेजोल्यूशन मोशन क्वेश्चन और अदरवाइज and notwithstanding such a resolution motion bill question or other being disallowed or not having been admitted by the speaker sir you were very kind us din aapne kaha aapke sath meeting bhi hui uska ye natija nikla ke jab peaceful according to the fundamental rights of the constitution usme you have a right of assembly right of speech right of peaceful protest also
उसका नतीजा पूरा मैंने एहतजाज का ये निकला है कि ये मेरे पास 20 FIR हैं, लोगों के घर लूट लिए गए हैं, कलीमुल्ला खान है, कंवल है, फिर इधर हमारे तारे गुजर साहब हैं, जितने भी लोग थे उनके घरों को लूटा गया। आपके हुक्म के मुताबिक ये जो हमारी टिकटॉक फोर्स है, इन्होंने ना चादर ना चार दीवारी का किया, और जैसे आप इसको कह रहे हैं, मैंने आपकी उस पर भी अटेंशन दिलवाना चाहता हूँ कि अगर आप ये पढ़ें कि रूल्स किस तरह अमेंड हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मंत्री रिव्यू 1989 में इट वॉज डिसाइडेड बाय द लर्नड सुपीरियर जजेस के आप जो है यू कैन नॉट वियर ए यूनिफॉर्म ऑफ ए, और दिट वॉज लाइबल टू बी पनिश विद 3 months और फाइन। तो आपने तो आईजी साहब ने वो वर्दी भी बना दी, और उस वर्दी का इस्तेमाल ये हुआ है कि इन्होंने हमारे जितने भी मेम्बरान हैं उन पर झूठे पर्चे भी दिए हैं, लाठीचार्ज भी किया है, पुलिस वैन्स में भी डाला है, और आज भी हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहेंगे तो बाहर पुलिस वैन्स भी खड़े हुई हैं। ये जनाब पाकिस्तान है, आप ये पाकिस्तान का सोचिए आप किस तरफ धकेल रहे हैं। आपके और आपकी ये जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का था उसकी ये तजिया बिखेरी गई हैं कि आपके हुक्म को ये माना गया कि जितने बैठे हैं इन पे सब पे पर्चा हुआ है, सीला साहब हैं, शेख शाह जुवे साहब हैं, तो आप मेरे पास ये सर जनाबे ये पुलिस फोर्स नहीं, ये ग्रुपिया फोर्स है, इनको लकी रानी सर्कस में भेजें और उनकी वर्दियां बना के इनको लेकर आए।